ये थाना कोतवाली नगर और स्वाइट टीम द्वारा एक कंबाइंड गुड वर्क किया गया है, जिसमें कि मनोज उपाध्याय और इंद्रेश तिवारी नाम के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया पुलिस मुठभेड़ के बाद। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों ही अभियुक्त एक हाल ही में जो घटना सुल्तानपुर में हुई थी, उस घटना से संबंधित ये एक और घटना को पारित करने वाले थे। कबरी प्रधान जो सुल्तानपुर में है उसको इन व्यक्तियों का मारने का प्लान था, जिसके बारे में पूरी प्लानिंग जितेंद्र प्रताप, मुन्ना जितेंद्र प्रताप और महेंद्र प्रताप इन लोगों ने की थी। इन लोगों ने इन शूटर्स को बुलाया था और इनको सारी एड प्रोवाइड की जा रही थी। पुलिस को एक अच्छा इनपुट मिला इनके बारे में और पुलिस ने इनको मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया। इनके पास से पुलिस द्वारा 5100 रुपये बरामद किए गए हैं। इनके पास से एक देसी तमंचा बरामद हुआ है, एक देसी तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, ये सभी भी बरामद की इनके पास से हुई है। इनके पास से उस प्रधान का फोटो भी मिला है जिसको इनको मारना था, और एक मोटरसाइकिल अपाचे UP44AD7997 ये भी इनके पास से बरामद हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि इन लोगों का ये पूरा प्लान था कि चूंकि पहले भी इस पूर्व में घटना घट चुकी है, उसी के क्रम में इस घटना को खारित करने वाले थे। कुछ रुपए इनको ऑलरेडी दिए जा चुके थे। पुलिस द्वारा अगेन एक अच्छा गुडवर्क हुआ है, जिसमें कि प्रिवेंटिव पुलिसिंग को अपनाते हुए पुलिस ने एक और मर्डर को प्रिवेंट किया है जो कि सुल्तानपुर में हो सकता था। मैं पूरी टीम को, CO सिटी और SHO नगर और स्वाट प्रभारी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने कि इस घटना को प्रिवेंट किया। लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी का एक अच्छा मैसेज इस घटना के अनावरण, इस घटना को प्रिवेंट करने में जाएगा। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई।